नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी पर इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं सीमा द्वारसी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर सेवरही से है, जहां शुगर फैक्ट्री में ड्यूटी दौरान कर्मचारी की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मकसूद उम्र 51 वर्ष, पुत्र लतीफ मियां निवासी विशुनपुरा डाली टोला थाना तमकुहीराज सेवरही चीनी मिल्स में एक सीजनल कर्मचारी की वाइवलिंग हाउस के जमीन से 60 फीट की ऊंचाई से एपेन प्लेटफॉर्म से कार्य करते दौरान गिरने से उसकी मौत हो गई। तत्काल मकसूद को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवरही ले जाया गया, जहां देखने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल थानाध्यक्ष संजय कुमार, चौकी प्रभारी मंगेश मिश्रा, मैं पुलिस फोर्स के साथ पहुंच मृतक को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई करते हुए मृतक के पुत्र एडवोकेट गुलाब हुसैन से तहरीर लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं घटना की खबर आग की तरह क्षेत्र में फैल गई है और मौके पर भारी भरकम क्षेत्रीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पूर्व विधायक एवं पूर्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एवं अन्य सभी जनप्रतिनिधियों ने दुख प्रकट करते हुए इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सेवरही से मनीष तिवारी की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।